मेरा काम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे बोलना, जिसको मराठी में आम वात बोलते हैं, हिंदी में संधिवात बोलते हैं, राजस्थान में गठिया बोलते हैं और मारवाड़ी में वाई बोलते हैं, गठिया वाई, उसके बारे में मेरा बोलना काम आज मेरा टॉपिक है। तो सबसे पहले ये कि बहुत सारे पेशेंट आके सबसे पहले ये पूछने हैं, डॉक्टर मुझे वात हो गया है, मुझे संधिवात हो गया है। सबसे पहले हम वहां से शुरू करते हैं, आर्थराइटिस मतलब क्या है? आर्थ मतलब जोड़, आइटिस मतलब सूजन, आर्थराइटिस मतलब जोड़ में सूजन। और इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी जोड़ों में दर्द हुए वो सब संधिवात है, और ये काम एक रूमेटोलॉजिस्ट का है, ये उसका काम है ये देखना और परखना, आपकी हिस्ट्री समझना, आपके जोड़ों को देखना, और वो आपको बताएगा कि पहली चीज आपको संधिवात है या नहीं, अगर जो नहीं है तो उसकी तकलीफ का कारण क्या है, और अगर जो है तो कौन सी तरह का संधिवात है, क्योंकि 100 से भी ज्यादा संधिवात है। सब पेशेंट को जब दर्द होता है तो सबको गठियावात या संधिवात या आमवात ऐसे नहीं होता, बहुत लोगों को अलग अलग बीमारियां होती है। ये सब हमारे जो नाम है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे वो सब नाम से बोर नहीं करूँगा कि हमारा एक सोरियाटिक आर्थराइटिस है, एक एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। वो आप लोगों के लिए ज़रूरी यह है कि सबसे पहली चीज़ आपको वात क्या है, वात है या नहीं, या सिर्फ जोड़ों में दर्द है तो जोड़ों का दर्द का कारण क्या है, और उसके बाद वात है तो कौन सी तरह का वात है, जिसके लिए आपको क्या दवाई करनी है। मेरा काम है आज ये जो कॉमन बीमारी है इसके बारे में बताना, कि गठिया या आप आमवाद जिसको बोलते हैं या संधिवाद जिसको बोलते हैं, इसमें हम लोग डील करते हैं, हम लोग इनकी दवाइयां करते हैं, तो इनको परखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर जो आपका निदान ठीक नहीं हुआ तो आपकी दवाई ठीक नहीं होगी। सो सबसे पहली चीज़ ये कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, छोटे और बड़े, छोटे जोड़ बड़े जोड़ दोनों तरफ सरीखे, मतलब अगर जो आपको इस कलाई में दर्द है तो इसमें होगा, इस कंधे में होगा तो इसमें होगा, दोनों तरफ इक्वल आर्थराइटिस होता है, ज़्यादातर लेडीज में होता है, जेंट्स से ज़्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जो कोई जेंट्स है तो उसको संधिवात नहीं हो सकता, लेकिन हर 10 में से 8 औरतें होती हैं, और इसीलिए इस बीमारी को समझना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ये मानना है और शायद यहाँ पे जितने लोग हैं वो भी मानेंगे कि घर जो है ना वो औरत से चलता है, मर्द से नहीं, मर्द सिर्फ पैसे कमाता है, घर औरत चलाती है। अगर जो औरत ठीक नहीं है ना तो पूरा घर बीमार है, ये आप समझ लो। एक बार ऑफिस चला गया ना बंदा, फिर उसको ये नहीं पता होता कि बच्चे का डब्बा किसने बनाया, स्कूल से होमवर्क किसने लिया, कपड़े इस्त्री करके कहाँ से आए, दूध वाला आया कि नहीं, घर में कपड़े धुले कि नहीं, ये कोई नहीं देखता। वो सिर्फ रात को आता है और पता चलता है घर में कुछ काम नहीं हुआ है, क्योंकि औरत बीमार है। सो जैसे कि मैंने बताया कि जोड़ों में दर्द होता है, छोटे और बड़े दोनों तरफ इक्वल होते हैं, ऊपर के हिस्से में ज़्यादा होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि घुटने में नहीं होता, घुटने में भी उतनी ही बुरी तकलीफ आती है। सुबह में उठ के जकड़न, इतनी गंदी जकड़न होती है कि एक दो घंटे तक कुछ काम नहीं होता, गरम सेक लेते हैं, गरम चाय बनाते हैं, गैस के पास खड़े रहते हैं, गरम पानी से नहाते हैं, तब जाके बॉडी हिलती है, और उसके बाद कुछ समय तक काम करने के बाद इंसान इतना थक जाता है और जोड़ दुखते हैं कि वापस बैठ जाना पड़ता है, और बैठ गए तो फिर से अकड़ गए, मतलब ना ऐसे अच्छे हैं ना वैसे, भूख कम हो जाती है, वजन कम होने लगता है, लोगों को थकान लगती है, थोड़ा सा अंदर से बुखार जैसा लगता है, बाकी रह गया तो पुराने जो ख्यालात हैं उस हिसाब से ये सोचा जाता है कि खट्टा खाया तो ये तकलीफ़ होगी, दाल खाया तो ये तकलीफ़ होगी, आलू खाया तो ये तकलीफ़ होगी, चावल खाया तो बीमारी बढ़ जाएगी, इसकी वजह से कोई कुछ खाता ही नहीं है, रह क्या जाता है मूंग का पानी और ज्वार की भाकरी, और फिर बोलते हैं कि अभी मेरा वजन कम हो गया, अब मेरे से कमजोरी आ गई, मेरे से कुछ काम नहीं होता है। तो उसके बाद आधा वक्त तो हमारा जाता है पेशेंट के शरीर में ताकत भरने के लिए, इसलिए 50 तरह के विटामिन हमको देने पड़ते हैं, उससे अच्छा खाओ ना,
मैं हर पेशेंट को एक ही सवाल पूछता हूं, आपने ये सब जो आपके पथ्य किए उसकी वजह से आपका दर्द कम हुआ क्या? अगर जो नहीं हुआ तो खाओ ना यार, कम से कम मेरे को विटामिन तो कम देने पड़ेंगे। ऑलरेडी इतने दुख हैं दुनिया में, उसके अंदर आपको साधु संत बन के डाइट करके ये सब करना है क्यों? सब कुछ खाइए, कोई परहेज नहीं है। शुरुआत में सिर्फ इतना दिखता है, स्टार्टिंग में जोड़ों में दर्द होता है, लोग जो है वो सोचते हैं कि हाँ कुछ होगा, मैंने कुछ खाया होगा, कुछ वायरल फीवर होगा, कुछ चिकुनगुनिया होगा, कुछ डेंगू होगा, मलेरिया के बाद जोड़ों में दर्द होता है, टाइफाइड के बाद 25 दिन दर्द रहता है, ये सब सोच सोच के लोग इसी तरह से निकालते रहते हैं। बस इसको देखो तो कहीं सूजन नहीं दिख रही है आपको, सिर्फ इतना थोड़ा सा दिखेगा, किसी का ध्यान भी नहीं पड़ता उसके ऊपर बहुत बारी। सिर्फ हम लोग जब देखते हैं तब बोलते हैं ये डार्क कैसे हो गया, बाकी किसी को पता नहीं होता। और यही चीज जो है वो आगे बढ़ के, नेक्स्ट स्लाइड इज हियर, यहां पे भी देखिए कलाई में कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे इस हाथ की नस दिख रही है, यहां पे नहीं दिख रही है। बहुत मामूली होता है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता है स्टार्टिंग में कि मुझे वात हो रहा है, सिर्फ जोड़ों में दर्द हो रहा है। और वात शुरू होने के तरीके अलग अलग होते हैं, किसी को फिरता वात होता है, घूमता है, किसी को कभी कंधा दुखता है, कभी घुटना दुखता है, कभी कलाई दुखती है, और ऐसे लगता है नहीं मेरी मोच आ गई होगी, मुझे कोई तकलीफ हो गई होगी। पैरों में सिर्फ यहां पे थोड़ी सी सूजन और कुछ नहीं, पता ही नहीं चलता है मोच आ गई होगी। लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ते जाओ, दवाई नहीं करो, फिर आपको देखने लगता है उंगलियां थोड़ी सी ज्यादा फूल गई हैं, उंगलियां थोड़ी सी ऐसे सीधी नहीं हो पा रही, सूज गई हैं, मुट्ठी नहीं बंद होती, तब समझ में आता है कि यार एक साथ बहुत जोड़ों में तकलीफ हो रही है तो कुछ गड़बड़ है। फिर हम जाएंगे पहले फैमिली फिजिशियन के पास, फिर जाएंगे आयुर्वेद के पास, फिर जाएंगे होम्योपैथ के पास, क्योंकि हमें ये सिखाया गया है कि एलोपैथी में तो कोई दवाई है ही नहीं। एलोपैथी में थोड़ी कोई दवाई होती है, वो लोग तो सिर्फ पेन किलर देते हैं और स्टीरॉइड देते हैं। किसी को भी हो सकता है, इसके बारे में बता चुका, खास करके औरतों को होता है, लेकिन ये बीमारी बच्चों को भी होती है। मेरा सबसे छोटा पेशेंट 5 साल का बच्चा है।